हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, हम आपके सामने जूनियर ऑफिसर ही सही, लेकिन जब जब देशद्रोह का मामला सामने आता है, एक सीआईडी ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी जान की बाजी लगा के भी देशद्रोही को पकड़े, और आज हम वही करने वाले हैं सर। बहुत टेंशन है, जब जब टेंशन बढ़ती है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैकी का नाम सुन के ऐसा हुआ सर? जैकी? कुछ याद नहीं आ रहा है, कौन जैकी, कौन मैं? सर, अगर आपकी याददाश्त खराब हो गई है तो फिर आप पुलिस में नहीं रह सकते। पुलिस? हथौड़े बज रहे हैं, हथौड़े बज रहे हैं दिमाग में। आपकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए तो अच्छा है सर, वरना बहुत कुछ हो सकता है सर। मैं सीआईडी ब्यूरो में हूं ना? जी सर, और हम बात कर रहे थे कि आप जैकी नाम के गुनहगार से मिले थे। सच्चाई सुननी है तुम लोगों को? जी सर। मैं सोच रहा था कि ये बात मैं तुम लोगों से छुपा लूं। कुछ गलत होगा तभी तो छुपा रहे थे आप। मैं इस आदमी से मिला था क्योंकि इसने मुझे फोन किया था कि इसे मालूम है एसीपी प्रद्युम्न कहाँ है। इसे मालूम था और मुझे एसीपी चाहिए था, इसलिए मिला था। तो क्या 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 बताया इसने सर? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एसीपी ने क्या क्या गुनाह किए इस बात का अंदाजा तुम्हें हो ही नहीं सकता है। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देता। मालूम है क्यों? क्यों सर, इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि मैं कितना भी चीखूं और चिल्लाऊं, मैं इस बात को चुटला नहीं सकता हूं कि तुम सब एक अच्छे सीआईडी ऑफिसर्स हो। इस कौवे के मुंह से कोयल की आवाज कैसे निकली? मगर एक गुनाह किया है तुम सबने। क्या सर? एसीपी को बचाने की कोशिश की। बस सर, गाड़ी रोक दीजिए यहीं पे। यहाँ पे सर यही वो इलाका है जहाँ पर एसीपी साहब को आखिरी बार देखा गया था। देख पवन, वैसे ये केस बहुत उलझा हुआ है, खबर पक्की है ना? अभिजीत सर, आप तो जानते हैं कि आज तक अपनी एक भी खबर गलत नहीं हुई है। आखिरी बार एसीपी साहब को यहीं पे देखा गया था, वैन के अंदर। वैन के अंदर ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दो रोड है, एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ। रेडी, नक्शा निकालो आपका। ये वाला रोड त्रिपोलिया बाजार की तरफ जाता है जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भीड़ भाड़? ये रोड काफी सुनसान लग रहा है। क्या आगे क्या है मालूम है? सर, इस रास्ते पे आगे बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं जिनमें से कई खाली पड़े हैं। खाली पड़े फार्म हाउस? Thank you.
वहां पे मौजूद हर इंसान को मालूम था कि एक कैनिस्टर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और जिसमें ये स्क्रोल छुपा हुआ है, सिवाय एक आदमी के। सालुके? नहीं नहीं नहीं, सालुके इतना बदनसीब नहीं है। तो फिर कौन से? वो बदनसीब मैं हूं। मुझे छोड़ के हर एक को मालूम था यहां पे। सचिन, तुम्हें मालूम था कैनिस्टर के बारे में? जी सर। जी सर, जी सर। विवेक सर, तुमने सुना था कैनिस्टर के बारे में? मालूम था? यस सर। तो फिर बताया क्यों नहीं? एक सीआईडी ऑफिसर अपनी जबान कभी नहीं खोलता है सर। जबान खोलता है तो सिर्फ एसीपी के सामने। यस सर। सॉरी सर। पूर्वी सर, तुम्हें मालूम था? मालूम था सर। फिर भी चुप रही? सर, एक सीआईडी ऑफिसर कभी अपनी जबान नहीं खोलती है। एक ही घोटे पिला रखे है सबको एसीपी ने। सर वो मैम जो है। चुप। ओ तारिका जी, आपको तो पता होगा पहले से। सर मैंने तो ये पहली बार देखा है। पहली बार देखने की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कैनिस्टर के बारे में मालूम था या नहीं। मालूम था। मालूम था। ये भी बोल दो, एक सीआईडी ऑफिसर कभी अपनी जबान नहीं खोलते। मालूम है, मालूम है किसके सामने खुलती है तुम्हारी जबान। सर वो तालुके साहब, आप और एसीपी तो पहले से ही मिले हुए, तो आपको तो डेफिनेटली मालूम होगा इसके बारे में। जी हाँ सर, मालूम था। तो फिर ये भी मालूम होगा ये क्या लिखा हो। जी नहीं सर, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सिर्फ एक ही डॉक्टर के बारे में जानता है और वो है डॉक्टर सालुके। उसे नहीं मालूम होगा ये क्या लिखा है। सर मुझे जहर, लाशें, गंस, गोली, बारूद, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, इन सब के बारे में पता है सर। इन सब के बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का काम है सर, आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मुझे? जी हाँ सर, आप तो बड़े बड़े केसेस सॉल्व करते हैं ना सर। ये सालुके नहीं बोल रहा है, ये एसीपी का एजेंट बोल रहा है। ये बात है? हाँ हूँ सर, मैं एसीपी प्रद्युमन का एजेंट हूँ। प्रद्युमन मेरा दोस्त है और ये सालुके प्रद्युमन के लिए अपनी जान तक दे सकता है। सालुके, तूने आश्रम ढूंढ लिया है ना? ढूंढ लिया है, मैंने आश्रम ढूंढ लिया, और आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए अभी इसी वक्त। सालुके वापस आओ, इट्स एन ऑर्डर। इस वक्त तो इस गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा, ये भाग गया तो काम नहीं होगा। क्या सोचे सर आप? इस पे क्या लिखा है सालुके? सर इस पे क्या लिखा है ये वाकई में मुझे नहीं मालूम है सर। तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसके लिए इतनी जाने क्यों जा रही है, क्यों एसीपी इसके पीछे पड़ा हुआ है? सर ये बात जानने के लिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मारा पैंतरा, फिर मारा पैंतरा। सर मुझे दीजिए प्लीज। खोदा पहाड़ निकली चुड़िया।
क्या हुआ सर? पौधा पहाड़, निकली चुहिया और चुहिया ने दिखाया रास्ता, ये देखिए। ये किस चीज का नक्शा? ये मुझसे मत पूछिए सर। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे वो सर, सर ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये दूसरी चुहिया। सर इन्हें प्रोजेक्ट करके देखें। नेकी और पूछ पूछ करो कुछ। वॉल्ट वन और ये वॉल्ट टू। और ये है कौन से वॉल्ट? ये कोई खुफिया कमरा है जहां पे लोग छुप छुप के मिलते होंगे। कोई बहुत ही खतरनाक काम होने वाला है। दूसरा लगा। Oh my God, शहर की पाइपलाइंस। पाइपलाइंस यहां से वहां पाइपलाइंस, पहले वाले में वॉल्ट और दूसरे में पाइपलाइंस। नो, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सर काफी बड़ा बंगला है। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। वो क्या? ये क्या है सर? ये जूते के अंदर की प्लेट लगती है बड़ी। ये देखा, इसको काट के आरी बनाएंगे। ये तो एसीपी साहब की रुमाल है। सर कहीं एसीपी साहब को कुछ हो तो नहीं क्या? एसीपी साहब को कुछ नहीं हो सकता। चलो अंदर चल के देखते हैं। बनाने का सामान। तो यहां पे तैयारी हो रही है मुंबई शहर पे अटैक करने के लिए। मगर सर मुंबई शहर में ये अटैक कब होंगे और कहां पे, इसका पता कैसे चलेगा? एक मिनट में रेडी। शहर का नक्शा बनाया हुआ है अलग अलग जगह का, लेकिन कहीं पे मार्किंग नहीं है जिसे जगह का पता चल सके। कुछ भी करके फ्रेडी से रोकना होगा, जल्दी चलो। एसीपी साहब कहां पे सर? उनका तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, एसीपी सर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुमने आते वक्त देखा था ना फ्रेडी, वो बिजली का मेन स्विच जिसमें आग लगी थी, बंगले के बाउंड्री वॉल के ऊपर एसीपी सर का जला हुआ रुमाल और वो जूते की प्लेट जिसे काट के आरी बनाया गया था, ये सब चीजें कह रही हैं कि एसीपी सर यहां से भाग चुके हैं।
अरे एसीपी साहब वहां से भाग गए तो हमें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? बता दे क्यों नहीं कि वो है कहां पे? यार कुछ ना कुछ तो वजह होगी सर। हाँ ये देखिए सर, कैनिस्टर में से जो नक्शे मिले वो जयनगर वेस्ट एरिया के। जयनगर वेस्ट? अगर ये नालियां और सड़कें जयनगर वेस्ट की हैं तो वह सिक्योरिटी वॉल्ट भी जयनगर वेस्ट में ही होगा। हो सकता है वो मुजरिम इस वॉल्ट में कोई लूटपाट या बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है। याद है वो जो तीन दुकान जिनमें छोटी मोटी चोरियां हुई थी, बेकरी शॉप, ज्वेलरी शॉप और किराने की दुकान, वो भी जयनगर वेस्ट में ही थी। तीनों दुकानों में घुसे तो थे मगर चोरी नहीं हुई थी। ये मामला कुछ और ही लगता है बॉस। जरा पता करो जयनगर वेस्ट में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो गुनहगारों के लिस्ट में आ सकते हैं। बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, मॉल, पता करो क्या क्या है वहां पे। जी सर। सर ये करण है, जयनगर वेस्ट इलाके के म्यूनिसिपल इंजीनियर। गुड इवनिंग सर। मिस्टर करण, जयनगर वेस्ट का म्यूनिसपैलिटी प्लान देश के दुश्मनों के हाथों में कैसे पहुंच गया? ये प्लान ऑफिस के बाहर कैसे चला आया? यही पूछ रहे हैं हम आपसे। पर सर ये किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? सर ये नक्शा पुराना है और तीनों नाले बंद हो चुके हैं। ये तीनों नाले इस्तेमाल नहीं होते? नहीं सर। सर इनके जगह हमने नए नाले बनवाए हैं जो इनसे बड़े और बेहतर है। अब समझ में आया दया, ये चक्कर क्या है? ये जो नाले बंद हो गए हैं उनमें घुसकर ये लोग कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। बेकरी, वो ज्वेलरी शॉप और किराने की दुकान, तीनों बंद नाले के ठीक ऊपर है। मतलब साफ है ये चोरी प्रैक्टिस करने के लिए की गई थी, असली जुर्म होना अभी बाकी है। सर जयनगर वेस्ट में तीन बैंक, दो ज्वेलरी स्टोर, एक मॉल, एक गवर्नमेंट ऑफिस और कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है। तीन बैंक, दो ज्वेलरी स्टोर, एक मॉल। इस इलाके में चलते हैं, पता करते हैं ये बवंडर कहां पे उठने वाला है। क्या हुआ यहाँ पे? सुना है बैंक में कुछ गुंडे घुस गए। बैंक में? अरे तो वही बैंक हमने वॉल्ट की पुस्तक से भी किया। बैंक के मैनेजर ने बताया था वॉल्ट थी, दस घंटे झूठ नहीं बोला। कोई तो बुलाओ। क्या हुआ है? कितने लुटेरे हैं अंदर? सर चार लुटेरे, चारों ने मास्क पहन रखा है। और कितने लोग हैं अंदर, कितने लोग हैं? सर वो तो पता नहीं सर, लेकिन सर अच्छा हुआ कि बैंक अभी अभी खुला है। मैं 10 मिनट लेट हो गया, नहीं तो मैं भी अभी अंदर फंस चुका होता। मतलब अंदर एम्प्लॉइज हैं? जी। और सर वो कैश थर्ड फ्लोर में सर, करे वहीं होंगे। ये रास्ता तो बंद है। आप लोग बताते क्यों नहीं कि आपको क्या चाहिए? बता देंगे। अभी बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। अभी देखिए आप लोग को पैसे चाहिए ना, जो चाहिए ले जाइए, पर किसी पर गोली मत चलाना। देखो अगर तुम लोग चुपचाप बैठोगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। चलो बैठ जाओ शांति से। कैसे बैठ जाओ शांति से? मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरा पति है। चुपचाप बैठिए, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हमें छोड़ दीजिए। सुनो तुम सब, हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। जैसा कहते हैं वैसा करो, किसी को कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस जुर्म में दुश्मन देश का हाथ हो सकता है? देखिए अभी कुछ बता नहीं सकते, फिलहाल हमारा ध्यान इन मासूम जिंदगियों को बचाने में लगा हुआ है।
प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। एक घंटा हो चुका है उन बेचारों को वहाँ फंसे हुए, आप लोग अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं, कैसे बचाएंगे आप? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग गन लेकर उन मुजरिमों पे अटैक कर दे? अगर शूट आउट में किसी मासूम की जान चली गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे? मासूमों को गोली लगने की फिक्र है या फिर आपको डर लगता है गोली खाने से? डर नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी से उसी दिन मिट जाता है जब हम लोग सीआईडी की शपथ लेते हैं, समझे? गोलियों से डरते नहीं हम लोग, गोलियां खाई हैं हमने। जब सुबह घर से बाहर निकलते तो मालूम नहीं रहता कि जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं। अनाप शनाप बातें किए जा रहे हैं आप लोग। नहीं बोलने दो मुझे। तो फिर आप लोग अब तक अंदर क्यों नहीं गए? अब तक यहीं पर क्यों हैं? मासूमों की जान क्यों नहीं बचाई आपने? देखिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मैप निकालो यहाँ से। देखो ये मैन रूम कहाँ पे? ये सर, ये टनल अंदर, ये बैंक के नीचे जा रही है। और सर इंजीनियर तो कह रहा था कि ये ड्रेनेज सिस्टम बंद है। बंद है तो क्या हुआ, रास्ता तो है, यहीं से बैंक जाएंगे हम लोग। जीपीएस बता रहा है कि बैंक किस तरफ है। किस तरफ? हाँ सर, जीपीएस के हिसाब से हम ठीक बैंक के नीचे हैं। बैंक के नीचे? हाँ सर। सर ये मैनहोल नंबर 15 है, नक्शे के हिसाब से ये एग्जैक्टली बैंक के बेसमेंट में खुलेगा। वेरी गुड, चल चलते। तो बताया था कि टनल काफी टाइम से बंद पड़ी है, कि आवाज कहां से आ रही है? सचिन विवेक तुम लोग ऊपर जाके देखो, हैं? हम लोग चेक करते हैं आवाज कहां से है। yes, संभाल के, ऊपर लुटेरे हैं, संभाल के हैं। निकल, let's go। Ah!
ये गन फेंक दो वरना अच्छा नहीं होगा। ए, सीआईडी वालों को धमकी देता है। अच्छा हो सर आप आ गए। आप लोग घबराइए मत, आप आजाद और एक एक करके जा सकते हैं। देखो तुम लोग गलती कर रहे हो, सबके सब मारे जाएंगे। वो फोन उठाओ, सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। हेलो, पता है सचिन, मुझे शुरू से ही लगता था कि तुम सीआईडी में रहने के लायक हो नहीं, और आज तुमने मेरा शक हकीकत में बदल दिया। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? खास बात तो यह है कि वो तीनों कौन है जिन पर तुमने गन तान रखी है। कौन हो तुम तीनों? अपने अपने मास्क निकालो जल्दी। आप लोग तो अंडरकवर कॉप्स हैं ना, जो एसीपी सर के साथ में थे। ठीक पहचाना आपने। ये सब क्या नाटक है? तुम लोग करने क्या वाले हो? तुमने कभी ताश खेली सचिन? ताश में चार गुलाम होते हैं जिन्हें अगर सही जगह पर फिट कर दो तो बाजी पलट जाती है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है, मैंने भी इन गुलामों को अपना पपलू बना लिया। अगर हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी वो किसी भी समय इन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देगा। क्यों सचिन, कैसा लगा इन मासूमों की आंख में मौत की दहशत देखकर? तुम चाहते क्या? तुम लोगों को अपने इशारों पर नचाना चाहता हूं मैं, अपनी कठपुतली बनाकर। जब तक मैं ना कहूं कोई भी बैंक से बाहर नहीं जाएगा, चुपचाप वहीं रुके रहो। देखो मगर जो तुम, और अगर जरा से भी होशियारी करने का ख्याल भी मन में आया तो याद रखना मेरी नजरें तुम लोगों पर गड़ी हुई है। से लूटा जा रहा है देश का सोना। सर गवर्नमेंट ऑफिस से सोना और बैंक से पैसा। बैंक में जो बंधक बनाए गए हैं ये सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। असली मकसद तो यही है, सोना। सर वो जो तीनों दुकानों में चोरी हुई थी वो वहां से तो खोद कर रास्ता बनाया गया था इस गवर्नमेंट वॉल्ट तक पहुंचने के लिए। इन्हें रोकना होगा निकल। सर हाँ, आप ठीक है सर? मैं ठीक हूँ अभिजीत। सर यहाँ पीछे गवर्नमेंट वार्ड से सोना चुराया जा रहा है। मुझे पता था अभिजीत, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे यार मदद कर, जल्दी कर, कहीं सीआईडी नहीं आ जाए। चलो रुकते हैं, देखते कैसे लेके जाता है सर। जल्दी कर। अरे एसीपी, ये तो जिंदा है। बहुत मोटी चमड़ी है एसीपी की, इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ने वाला। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, जब तक तुम जैसे कीड़े इस देश में सांस लेते रहेंगे एसीपी प्रद्युमन की भी सांस चलती रहेगी, समझे? नहीं एसीपी साहब, ऐसा मत कीजिए एसीपी साहब। हम लोगों ने इस सोने के लिए कितनी मेहनत की, रात रात भर जागकर कैसे कानून को बेवकूफ बनाया, प्लान बनाया,
आप चाहते हैं कि आप हमारे इस प्लान पर पानी फेर दें? प्लान फेल हो चुका है, चलो अब ससुराल चलने की तैयारी करो। बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा, आप हमारे साथ कॉपरेट कीजिए प्लीज। सर सर हमारे प्लीज। जी का कोई मैसेज वैसेज कुछ नहीं, सचिन और वीर का भी कोई मैसेज नहीं, आई होप सब कुछ ठीक है। सर अंदर घुसते नहीं फिर, एक दिन तो बाहर रहना बहुत जरूरी है। सर तीन दिन एम्बुलेंस से देख था, प्लीज बाद में प्लीज 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 प्लीज। बैंक के अंदर जो लोगों को पकड़ के रखा है ये सब नाटक है, असली मकसद है हमारे देश का सोना लूटना, जो एम्बुलेंस में डालकर ले जाने वाले हैं। हाँ हाँ मुझे पता है बॉस, सोना एम्बुलेंस में ही जाएगा, मैंने तीन एम्बुलेंस भिजवा दी है। एम्बुलेंस? हाँ सर अभी भी तीन एम्बुलेंस गई है सर। माय गॉड हमें रोकना होगा, चलो जल्दी। हेलो, अगर एम्बुलेंस का पीछा करने की बेवकूफी की तो ऐसा धमाका करूंगा कि बैंक की बर्बादी की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। हेलो हेलो हेलो, ऐसा आदमी है तो अभी भी हमें देख रहा है, तो बैंक में होगा या फिर सर? हाँ सर, ये सामने बिल्डिंग है, उसके साथ में फ्लोर पे दो लोग हम पे नजर रखे हुए हैं। अब यहाँ का सब संभाल लो, मैं और दया और फ्रेडी हम जाकर देखते हैं। इस तरह से हम हाथ पे हाथ रखे कब तक बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमको। और अचानक एसी के साथ कहीं गायब हो गए थे, क्यों? देखिए वो जहाँ भी थे अब आप लोगों के सामने आ गए हैं ना, आप लोग विश्वास रखिए हम लोग बहुत जल्द इस मिशन में कामयाब होके रहेंगे। एसीपी साहब के आ जाने से सीआईडी टीम का हौसला बुलंद हो गया है, उनकी ताकत दुगनी हो गई है। न्यूज अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड पर। वेरी गुड, सचिन को मैसेज मिल गया है, बैंक के अंदर बहुत जल्द हंगामा होने वाला है। लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। देख ली तुम सबकी ड्यूटी, अब एक ही रास्ता है इन सबकी जान बचाने का, इन तीनों को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। पागल हो गए क्या तुम? पागल हो गए क्या? कौन सा तरीका है सबकी जान बचाने का? यही तरीका है, बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक, न रहेगा पास न फटेगा ये बॉम्ब। प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। क्या? सीआईडी की चिंता तुम मत करो, उन्हें तो मैंने बैंक में ही फंसा दिया है। हाँ ठीक है, पुराने किले पे मिलते हैं। बैंक में जिन लोगों को बंदी बना रखा है उनका क्या करें? छोड़ दो। छोड़ दे? हाँ छोड़ दो, उनकी आत्मा को आजाद कर दो इस दुनिया से। येलो रिमोट, जैसे मैं यहां से दूर जाऊं दबा देना इसे। ठीक है। सीआईडी? ए, रुक जा रहे तो बोली मार दो। मिस्टर और मिसेस कुमार? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से। सोने का कैनेस्टर था, बहुत पुराना था। तुम जानते हो इसे? हाँ सर, ये वही बिजनेसमैन मोहित कुमार है जिसके घर से
जूही ने सोने का कैनिस्टर चुराया था। मुझे लगा डीसीपी ने अभी तक सीआईडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। डीसीपी साहब ने? ये नामुमकिन है। जब तक तुझ जैसे गटर के कीड़े समाज में है ना, तब तक उसे साफ करने के लिए सीआईडी एक साथ ही रहेगी। एक बटन दबाते ही बैंक में मौजूद सारे लोगों के चिथड़े हो जाएंगे। उनकी जलती हुई लाशों का धुआं यहां तक पहुंचेगा। अगर एक भी मासूम को कुछ हुआ ना, तो याद रखना तेरा वो हाल करूंगा कि अपने जिंदा होने पे पछताएगा तू। रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ है? रिमोट जहाँ है मेरे पास। छोड़ दो विराज को, नहीं तो रुक जाओ। एक, दो, तीन, रुक जाओ। विराज को हम छोड़ देंगे, लेकिन वो रिमोट पहले तुम हमें दोगे। बेवकूफ समझाया क्या मुझे? हाँ, पहले विराज जाएगा, फिर मैं रिमोट दूंगा तुम्हें। देख, रिमोट हमें दे दो पहले। जल्दी करो एसीपी, वक्त बहुत कम है। मौजूद लोगों की जाने बचाई, बल्कि उन तीनों अंडरकवर एजेंट को भी बचा लिया है जिन्हें ह्यूमन बॉम्ब बनाकर अंदर भेजा गया था। मैं ममता कुकरेती कैमरामैन सुरेश के साथ बीटीवी। सर, विराज और उसके आदमी अगर सोना लेकर भाग गए तो पूरे दुनिया में हमारी बहुत बदनामी होगी। सर, हमारे होते हुए सोना लेकर कोई भी नहीं जा सकता। हेलो, ओके, थैंक यू सर। पता चल गया एम्बुलेंस कहां जा रही है। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। पहली बार सीआईडी की हार होगी और एक मुजरिम की जी। रुका, सीआईडी के दो कबूतर हैं। क्या एम्बुलेंस में? मुर्दा है साहब, चाहो तो देख सकते हैं। क्या हुआ? सीआईडी के बड़े कबूतर हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, जरा अच्छे से खातिरदारी करो उनकी।
सीआईडी खलास। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी और तुम्हें है? तुम्हारा तो सत्कार होना चाहिए। दया, जरा इन्हें ब्यूरो का रास्ता दिखाओ। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। चौबीस देशों में डाका डाला है मैंने, लेकिन आज तक किसी भी देश की पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकी। क्या सोचा था, सिल्वर जुबली इंडिया में डाका डाल के मनाओगे? इंडिया को लूटने की तमन्ना मेरे दिल में उसी दिन जन्म ले चुकी थी जिस दिन मैंने जन्म का रास्ता अपनाया था। हाँ, लेकिन तुम भूल गए कि सीआईडी यहाँ पर है, और जब तक सीआईडी है तुम जैसे गद्दार इस देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, समझे? लूटे हुए सोने का क्या करने वाले थे तुम लोग? उससे हम लोग हथियार और बम खरीद कर आतंकवादियों को ऊंचे दाम में बेचने वाले थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? पैसों की लालच में अपना ईमान बेचते हुए न जाने कितने मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार हो तुम। इन सब से मुझे क्या लेना देना, मैं तो जन्म की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता था। ऐसे बहुत सबसे बड़े आदमी घुटने टेक गए सीआईडी के सामने, समझे? अब जेल में सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। जैसे ही पता चला कि विराज ने अपना मुंह इंडिया की तरफ मोड़ लिया है तो जल्दी से जल्दी उससे टक्कर लेना जरूरी था, और वो दिखता कैसे है कहां ये मालूम नहीं था। सर, कम से कम हमें बता तो सकते थे, हम भी ले सकते थे टक्कर। हाँ अभिजीत, तुम लोगों से बेहतर और कौन हो सकता है टक्कर देने वाला? लेकिन पिछले 15 सालों में तुम लोगों के चेहरे गुंडे बदमाशों को और आतंकवादियों को मालूम पड़ गए हैं, इसलिए मुझे अंडरकवर ऑफिसर्स के साथ काम करना पड़ा। बेचारी वो लड़की जो ही मारी गई सर। हाँ दया, जान कुर्बान कर दी उसने अपने देश के लिए। सर, आपको उन लोगों ने टैंक में बंद करके रख दिया था, अगर आपको कुछ हो जाता तो। अरे फ्रेडी, मैं टैंक से बाहर निकला ना। हाँ। उन लोगों को लगा होगा कि एसीपी प्रद्युमन कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। तो सर, हम लोग विश्वास ही नहीं कर सके कि आपने खून कर दिया। नहीं अभिजीत, गोली मैंने नहीं मारी है उसे। मगर सर, गोली करम की लाश के पास से मिली थी। जहां पर हम गोली चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, शायद किसी ने वहीं से गोली चुरा ली है। फायरिंग रेंज से सर? हाँ दया, फायरिंग रेंज से। और आगे से एक बात का ख्याल रखना सभी लोग, कि तुम्हारी गन में से निकली एक एक गोली का हिसाब रखो,
एक एक गोली का। यही बात बोलने के लिए आया हो? चित्रोली साहब, ये अभी तक यही मंडरा रहा है। अपनी देशभक्ति के ज्यादा सबूत देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये गोली ही काफी है। ये? हाँ, वही गोली जिससे करम का खून हुआ है। वो गोली दूसरी थी। दूसरी थी? दिखाओ कहाँ है। सर वो गोली तो आतंकवादी ले गए अपने साथ। अच्छा, तुमने देखा ले जाते हुए? दया, तुमने देखा? नहीं सर। जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा। क्या देश के लिए लड़ना जंगल में नाचने जैसा है सर? इस गोली पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि ये गोली तुम्हारी गन में से ही चली है। और सालुक्य ने भी तो अपना मुंह खोल ही दिया था कि ये गोली एसीपी की है। सालुक्य? उसने? हाँ सर, वो बाद में उन्होंने बोल दिया था। आजकल एक पुलिस ऑफिसर पे अगर छोटे से छोटा इल्जाम भी लगता है तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होती है, और जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे सस्पेंड किया जाता है। जी सर, सस्पेंड। तो फिर सर, अगर ये गुनाह मेरे हाथों हुआ है तो इस बात का सबूत भी आप ही को ढूंढना होगा। ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। इस गोली को सीने से लगाए घूमता रहता हूं मैं। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि गोली मैंने नहीं चलाई है। तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम लगा हुआ है, खून का। जब तक सीआईडी के इतिहास में से तुम्हारा नाम नहीं मिटा देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एसीपी प्रद्युमन सर, एक ना एक दिन तुम्हें सीआईडी से जाना ही पड़ेगा। मुझे भी इंतजार रहेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.